ओके, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कि एक्सप्लोडेड लाइंस क्या होती हैं और असेंबली में इनको किस तरीके से ऐड किया जाता है। तो वर्किंग डायरेक्टरी ऐड की मैंने अभी क्लियर असेंबली। ओके, ये वही असेंबली है जिसकी हमने जो है ड्राफ्टिंग की थी, वॉल्व असेंबली। स्कोपिंग किया मैंने वॉल्व असेंबली को, ये मेरे पास असेंबली खुल के आ गई। इसको कंट्रोल डी किया, बाय डिफॉल्ट ये आ रही है। इसके ऑप्शंस में जाके इसका डिस्प्ले ट्राई मैट्रिक्स आइसोमेट्रिक कर दिया, यस करके ओके कर दिया। ठीक है, ये एक असेंबली है जिसके अब हमें एक्सप्लोडेड लाइंस किस तरह से बनाते हैं ये देखेंगे। ओके, तो एक्सप्लोडेड व्यू हमने इसका बनाया हुआ है, चेक कर लेते हैं इसका एक्सप्लोडेड व्यू। ये एक्सप्लोडेड व्यू है इसका, क्लोज करें। ओके, अब इस एक्सप्लोडेड व्यू के अंदर, ठीक है, हम इसको बनाते हैं, न्यू भी एक्सप्लोर व्यू बनाना सीखते हैं। इसके अंदर व्यू मैनेजर में चलते हैं और एक्सप्लोर व्यू उसका ये बना हुआ है, बेहतर है। ठीक है, इसके अंदर जो तीसरा नट है वो नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। अब ये तीनों नट नज़र आ रहे हैं। अब 1 मिनट के लिए मैं इसका फ्रंट व्यू देखता हूँ और इसको चेक करता हूँ। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये तीनों जो एप्स बोल्ड हैं ये प्रॉपर पोजीशन में नहीं है, इनका प्रॉपर पोजीशन होना ज़रूरी है। तो हम इसको एडिट करते हैं। एडिट के अंदर हम जाएंगे ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमने एक बोल्ड को सिलेक्ट किया, सेकंड बोल्ड को सिलेक्ट किया, कॉपी पोजीशन, ठीक है। और उसके बाद हमने तीसरे बोल्ड को सिलेक्ट कर लेना है, इस वाली पोजीशन पे रख के अप्लाई कर देना। इससे क्या होगा कि तीनों बोल्ट एक ही पोजीशन पे कॉपी हो जाएंगे। इससे ये फायदा होता है, जब मैं इसको कंट्रोल डी करूँगा तो ये तीनों एक ही पोजीशन से ऊपर चल रहे होंगे, तो बेहतर होता है इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना। ओके, अब हम ये वाला पार्ट लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और इस वाले पार्ट को भी थोड़ा सा नीचे ले आते हैं कि पता चले कि ये संबल कहाँ हो रहे हैं। और इस पार्ट को भी थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इस पार्ट की ओरिएंटेशन थोड़ी सी नीचे और थोड़ी सी आगे, एसी की डायरेक्शन में आके लगेगा। और इस पार्ट की ओरिएंटेशन थोड़ी सी नीचे आनी चाहिए इस तरह से, और इसकी मज़ीद नीचे कर देता हूँ इस तरह से, इसको थोड़ा सा ऐसे सेट कर लें इस तरह से। ओके, ये हमने बना ली है। अब हम इसकी बनाने जा रहे हैं एक्सप्लोडेड लाइन्स। तो एक्सप्लोडेड लाइंस के लिए करना ही पड़ता है कि यहाँ पर क्लिक करते हैं एक्सप्लोडेड लाइंस और इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम पहला रेफरेंस लेते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये लगेगा इसके ऊपर, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, सेकंड रेफरेंस और अप्लाई कर दिया। तो ये मुझे इस तरह से शो कर देगा कि ये इधर इस लाइन में आएगा। इसी तरीके से मैंने शो किया कि ये वाला जो बोल्ट है वो लगेगा इस होल में, अप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये वाला जो है बोल्ट इसी तरह से इधर लगेगा, अप्लाई, और ये वाला बोल्ट इधर लगेगा, ठीक है। अगर कुछ गलत हो जाए तो इसको क्लोज करके दोबारा से एक्सप्लोडेड लाइन बना लें, इधर से तक लाएं, ठीक है। तो अब हमने एक्सप्लोडेड लाइंस बना ली हैं जिनसे हमें पता चल रहा है कि पॉइंट किस तरह से जो है वो असेंबल होंगे। इसी तरह मज़ीद एक्सप्लोडेड लाइन बना लेते हैं। लाए, अब इसकी हम एक्सप्लोडेड लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से एक्सप्लोर लाइन बन गई है, इससे हमें पता चल रहा है ये असेंबल किस डायरेक्शंस में होंगे ये सारे पार्ट। अब हम इसके अंदर जो है वो सेक्शन लाइन बनाते हैं। और सेक्शन लाइन, सेक्शंस किस तरह से काटे जाते हैं वो सारा हम इसी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन सिंपल प्लेनर एक्स वाई जेड है, उसमें ऑफसेट सेक्शन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑफसेट सेक्शन पे क्लिक कर दें,
स्केच कर दें, डिफाइन कर दें, टॉप प्लेन ले लें, के कर दें, ओरिएंट कर लें। उसके बाद इसके रेफरेंसेस ले लें, सेंट्रल लाइन ले लें से। अब आप एक कदर लाइन खींचें, ये एक ऑफसेट सेक्शन हो गया है, इसको चेक लगा दें, ऑफसेट सेक्शन बन जाएगा। अब हम इस सेक्शन को थोड़ा सा समझते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एडिट डेफिनेशन करते हैं, ओके। ये है उसकी फ्लिप के किस अपोजिट डायरेक्शन में अगर शो करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम इसको पहले प्लेन ऑफ कर लेते हैं ताकि सही से नज़र आ जाए कि इससे सेक्शन के अंदर कलर भरा जा सकता है किसी किस्म का भी। बाय डिफ़ॉल्ट वो मॉडल कलर आ रहा होगा, ये मॉडल का कलर आ रहा है, फिर उसमें मज़ीद कलर भरा जा सकता है, कोई लाइट कलर, डार्क कलर, ठीक है। ऑप्शन में जाके हमने इंटरफेस ऑन किया होगा तो अगर पार्ट एक दूसरे से टकरा रहे होंगे तो वो रेड कलर से शो होना शुरू हो जाएंगे कि ये इंटरफेस हो रहा है इन पार्टों का इन एरियाज के अंदर। और वापस हम इसको मॉडल कलर पे कर देते हैं। हैचिंग एक होती है, हैचिंग क्या होती है कि इस पार्ट का जो मटेरियल होता है उस मटेरियल का सिंबल से शो किया जाता है कि ये कौन सा मटेरियल है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि मज़ीद ये मॉडल के ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है एक्सक्लूड सेलेक्टेड मॉडल, इससे ये होता है कि हमारे पास जो पार्ट है ओवरऑल असम्बली में उसमें से किसी एक पार्ट को हम नहीं काटना चाहते। जैसे कि मैंने इस पार्ट पे क्लिक कर दिया बॉडी के ऊपर, तो ये बॉडी का पार्ट नहीं कटा है, ये इससे एक्सक्लूड हो गया, यानी इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को काटा गया है। तो इसमें आपकी शाफ्ट कटी हुई है, शाफ्ट से नीचे का तमाम एरिया कटा हुआ है, लेकिन इसने छोड़ दिया है इस वाले पार्ट को जो कि बॉडी है। इस तरीके से आप कई पार्ट्स को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इंक्लूड कर देंगे तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा, उसमें ये होगा सिर्फ वो पार्ट जिसको आप सिलेक्ट करेंगे वो काटेगा, बाकी किसी पार्ट को नहीं काटेगा। तो इंक्लूड और एक्सक्लूड का ये मतलब होता है कि इंक्लूड में सिर्फ वो पार्ट को काटा जाता है जो हम सिलेक्ट करते हैं, एक्सक्लूड में उस पार्ट को छोड़ देता है काटने से जिसको हम एक्सक्लूड करते हैं। इंक्लूड ऑल मतलब होता है सब पे कर, सबको काट रहा होता है सेक्शंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है राइट क्लिक करके हैचिंग, एडिड हैचिंग का। एडिड हैचिंग में ये होता है कि इस वक्त इसका जो डिफॉल्ट मटेरियल है वो सबको एक ही मटेरियल कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन अगर हमें लगता है कि ये अलग मेटल है, ये अलग मेटल है, तो इसकी हैचिंग भी अलग अलग होनी चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम उसका मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। जैसे अगर एलॉय स्टील का है हैंडल तो हम इसे क्लिक करेंगे, तो देखिए एलॉय स्टील की जो सिंबल होती है वो इसके अंदर ऐड हो गई है। कलर भी हम उसके यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अगर आपको उसका कलर पता हो तो आप कलर भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ये कलर्स ऐड हो जाते हैं हैचिंग के। और हैचिंग के मज़ीद पैटर्न्स होते हैं जो, जैसे कि अगर ये बहुत ज़्यादा स्मॉल या लार्ज आ रहा है तो आप इसको स्केल करके बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर न्यूमरिक वैल्यूज़ भी ऐड की जा सकती हैं, फिलहाल इसमें वैल्यू चल रही थी 1 तो 1 डाल देते हैं। उसके अलावा अगर उसका कोई एंगल चेंज करना हो तो हम यहाँ से एंगल दे सकते हैं कि फोकस उसका एंगल मज़ीद चेंज करना चाहती हूँ, तो यहाँ से एंगल चेंज हो जाता है। फिलहाल इसका एंगल था 0 डिग्री जिसके ऊपर वो इस तरीके से हैच हो रहा था, ओके। एक ये चीज़ हो गई। अब मैं इसके दूसरे पार्ट का करता हूँ चेंज, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से और मैं अगली पार्ट जो है वो प्लेट को सिलेक्ट करता हूँ और उसका जो भी मेटल है, जैसे अगर वो कास्ट आयरन की है, कास्ट आयरन में सिलेक्ट करता हूँ और उसको अप्लाई कर देता हूँ। कास्ट आयरन को अप्लाई करने से जो है वो कास्ट आयरन के सिंबल आ गए। यहाँ पर देखिए आप कास्ट आयरन के सिंबल आ गए, इसके कलर्स जो है वो ब्लू कर देते हैं ताकि नज़र आए, तो ये कास्ट आयरन के सिंबल है। इसी तरीके से अगर ये जो भी है, जैसे ये आर्म पार्ट था इसको हमने एलॉय स्टील किया था, अप्लाई किया, ये कास्ट आयरन में इसको अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से इसको जो है वो हम कॉपर का बना देते हैं बॉडी को, ठीक है। बॉडी को कॉपर अगर है या जैसे ब्रास है, तो एल्युमिनियम है, कॉपर है, ब्रास इसमें नहीं है, तो हम इसको जिंक का बना लेते हैं, एल्युमिनियम का बना लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। एल्युमिनियम की हैचिंग है इस तरीके से, ये डिफरेंट हैचिंग्स होती हैं। ये उसी को अगर हम डबल करना चाहें पैटर्न को और इसी तरीके से उसको जूम आउट करना चाहें तो ये डबल कर देता है, बढ़ा देता है और ये छोटा करता जाता है, स्मॉल करता है, स्केलिंग है ये भी एक तरह की, ठीक है। तो ये हमारे सेक्शनिंग के ऑप्शंस थे मज़ीद।
अब हम इसके अंदर जो है वो सेक्शनिंग को डिसेबल कर रहे हैं, डीएक्टिवेट कर दिया मैंने इसको, और इसका जो हैश वो हैचिंग उसको भी डीएक्टिवेट कर दिया, कंट्रोल डी से इसको डिफॉल्ट कर दिया। हमने इसका व्यू बनाया हुआ था डायमेट्रिक व्यू, तो उसके ऊपर इसको रख दिया। अब हम इसकी बनाते हैं असेंबली की एक अदद मोशन फाइल, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमने इसकी जो शाफ्ट है उसको किस तरह से असम्बल किया है। अगर वो शाफ्ट फिक्स असम्बल हो गई है तो फिर तो इसकी मोशन की रेट नहीं हो सकती। बेसिकली इस ये बॉडी इस तरह से वॉल की कि ये वॉल का जो है ब्लॉकेज कवर प्लेट है जो पानी को रोकती है, और इसके साथ ये शाफ्ट अटैच होती है, और शाफ्ट के साथ जो है वो ये हैंडल अटैच है। तो अगर हैंडल घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगी, तो शाफ्ट के साथ कवर प्लेट घूमेगी तो ये वॉल खुल जाएगा। अब हमें इसको इस तरीके से जो है वो मोशन देनी है। सबसे पहले हमने इसके अंदर शाफ्ट को चेक किया एडिट डेफिनेशन में जाके। तो एडिट डेफिनेशन में जाके जब मैंने शाफ्ट को चेक किया तो शाफ्ट का जो रोटेशनल एक्सिस है वो फ्री है, इसका मतलब शाफ्ट ही घूम सकती है। तो अगर मैं शाफ्ट को इस पोजीशन पे छोड़ता हूँ तो ये पूरे अपने हैंडल को भी घुमा देगी और ये वॉल को भी खोल देगी। तो देख रहे हैं आप, ये वॉल भी खुल गया और ये लीवर भी घूम गया। तो मैं इसको घुमा के देख सकता हूँ, तो ये मेरा वॉल जो है वो चल रहा है। तो आप ये इस तरह से, ठीक है। एक बार हम इसको और समझ लेते हैं। बेसिकली ये हुआ क्या, शाफ्ट के जब एडिट करके डेफिनेशन में मैं जब किया, तो आप लोग जब इसकी कंस्ट्रेंट लगा रहे होते हैं तो उस वक्त आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, अगर कोई मूविंग पार्ट है तो उसको यहाँ से रिजिड नहीं रहने दें, यूजर डिफाइन पे मत रखें, बल्कि उसको पिन कर दें। पिन का मतलब होता है कि वो वहाँ से जो है वो हिंज हो जाएगा और वो पार्ट रोटेट हो सकेगा, रोटेशनल उसका एक्सेस फ्री रहेगा। तो हमने चूंकि इसका एक्सेस इसके एक्सेस के अंदर अलाइन तो किया था, लेकिन चूंकि उसको पिन किया है तो वो उसके अंदर घूम सकता है। जब वो घूम सकता है तो फिर वो रोटेट हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से तो कुछ मूवमेंट होती हैं, पेन मूवमेंट होती है, सिलेंडर होती है, फिर जनरल होती है। तो फिलहाल हमने इसको इस तरह से मूव करा है। अगर हम कोई भी नया कंपोनेंट जब लेते हैं और कोई भी नया सेट बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल जो है वो कनेक्शन आते हैं, जैसे पिन का कनेक्शन है, स्लाइडर का मतलब ये होता है कि वो स्लाइड कर सकेगा, सिलेंड्रिकल का मतलब ये है कि वो एक सिलेंडर सिलेंडर में रोटेट कर सकेगा, प्लेनर इस तरह से होता है, बॉल होता है, वेल्ड होता है, इस तरह से डिफरेंट जो है हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ओके। तो हमने फिलहाल जो है वो जो वाली कंस्ट्रेंट इसके ऊपर लगा के चेक कर लिए, एक बार फिर देख लेते हैं कि क्या ये घूम सकता है। ये घूम सकता है, ठीक है, ओके। अब हमने इसको मोशन से घुमाना है, तो एप्लीकेशन के ऊपर इसको लेके जाएं, मैकेनिज्म के ऊपर इसको लेके जाएं। मैकेनिज्म में एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं सर्वो मोटर, तो मैंने इसको सर्वो मोटर के ऊपर रखा। ये जो है हमेशा किसी भी किस्म की रोटेशनल मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे आप इसको, ठीक है। तो इसके अंदर हमने इसकी प्रोफाइल में गए, पोजीशन को इसको हमने वेलोसिटी दे दिया, वेलोसिटी मीटर मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये दे दीजिए। इसके बाद इसको करंट पे जीरो रहने दीजिए और यहाँ पर इसकी कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड जो फिलहाल 10 पुट कर दीजिए, ये एक इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद इसको ओके कर दीजिए और ये आपसे बोल रहा है कि ये जो आपने सर्वो मोटर ली है इसका आप एक ड्रिवन जो है वो एक्सेस दीजिए। तो हमने इसको क्या करना है, एक सिलेक्ट करनी है इसकी ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री जो है वो इसकी वो ये शाफ्ट है, इसको हम शुरू से लेते हैं सर्वो मोटर। सर्वो मोटर लेने के बाद हमने यहाँ से पहले प्लेन मेजरमेंट सब ऑन कर लिया और यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट करना है एक्सिस से। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया इसकी इस एक्सिस को, चूंकि ये शाफ्ट का एक्सिस है तो इस शाफ्ट के साथ जो जो चीज़ें अटैच थी वो सारी उसके साथ जो है वो सेलेक्ट हो गई हैं। अब ये प्लेट इसके साथ घूमेगी, ये हैंडल इसके साथ घूमेगा और ये शाफ्ट घूमेगी। तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है, और इसको मैं लेके जाके यहाँ से वेलोसिटी पे रखा, और वेलोसिटी पे रखने के बाद इसकी जो करंट पोजीशनिंग है वो 96 डिग्री है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होनी चाहिए थी, ठीक है, तो इसको हमने 90 डिग्री पे कर दिया। करंटली जो है ये 90 डिग्री है, अप्लाई, ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तकरीबन 10 रख दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जो है हम इसको जाएंगे प्लेबैक्स के अंदर, जहाँ हम इसको प्ले करेंगे। प्ले के अंदर जब हम इसको जाएंगे यहाँ पर, तो एक सेकंड, इसके पहले एनालिसिस में चलिए, न्यू एनालिसिस कीजिए। इसके एनालिसिस के अंदर इसका एक नाम रखिए एनालिसिस का, ठीक है, तो हम इसका M1 नाम रख देते हैं कि मोशन वन है। इसकी पोजीशन को इसको डायनेमिक रखिए, क्योंकि ये जो है बेसिकली हरकत करेगी, तो बॉडी जब हरकत करती है तो उसको हम डायनेमिक कहते हैं। और
अब हम उसका फ्रेम रेंगे कि 10 सेकंड तक ये मूव कर सके और 10 फ्रेम रेट इसका होना चाहिए। ठीक है, इसको रन कीजिए तो आप देखेंगे ये 90 डिग्री के ऊपर ठीक वॉल खुल गया है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ज़्यादा खुल रहा है तो हम इसको 9 कर देते हैं, आप रन कर देते हैं इसको, तकरीबन ये बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर ये खुल गया है वॉल। तो ये इसके फ्रेम सेट किए हमने इसको, अब हम इसको ओके कर देते हैं और हम प्लेबैक के अंदर जाते हैं, प्ले करते हैं, प्ले के अंदर प्लेबैक प्लेयर लेते हैं, इसको हम लूप के ऊपर रखते हैं और लूप के ऊपर रखने के बाद इसकी स्पीड मैंने तेज़ कर दी, इसको मैंने लूप पे रखा और इसको मैंने प्ले कर दिया। अब ये जो है वो इस तरह से प्ले करता रहेगा और ये शो करेगा कि किस तरह से वॉल चल रहा है, खुलता है वॉल और बंद हो जाता है। इसको अब हम क्रैप्चर पे लेके जाएंगे, क्रैप्चर पे ले जाने के बाद हम बताएंगे कि इससे क्या बनाना है। सबसे पहले हम इसका नाम रखेंगे, तो इसका नाम हमने रखना है वॉल असेंबली। ठीक है, ओके कर दीजिए इसका नाम। उसके बाद हम इसका क्वालिटी वीडियो टाइप सेलेक्ट करेंगे कि हमें इसे क्या बनाना है, वीडियो है, पिक्चर है, बिट मैप बन सकती है, इसकी AVI फॉर्मेट भी बन सकता है। हम फिलहाल इसके PG बना देते हैं। इसका जो साइज़ है वो लॉक करने के बाद 800 रख देंगे तो वो ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन आ जाएगी और उसके फ्रेम पर सेकंड 25 है जिससे ज़्यादा बेहतर वीडियो क्वालिटी आती है। इसको 35 कर दीजिए। ठीक है, इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये रेंडर होने जाएगी, नीचे रेंडरिंग के फ्रेम्स चल रहे हैं, जितनी बड़ी वीडियो की उतना टाइम लेगी। इस वक्त ये 90 फ्रेम्स हैं तो ये रेंडर हो गई है और हम इसको देखते हैं कि ये वहाँ पर बन के आ गई है या नहीं। ये 90 फ्रेम्स कंप्लीट हुए इसके। ओके, इसे क्लोज करते हैं, जाके देखते हैं कि असेंबली फोल्डर के अंदर वॉल्व असेंबली के नाम से एक वीडियो बन के आई है जो कि इस तरह से है। इसका प्लेबैक जो है वो हम प्ले इसको हम सेट कर लेते हैं। इसको हम सेट कर लेते हैं रिपीट फॉर एवर के ऊपर और अब इससे ये होगा कि ये कभी वीडियो रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी इस तरह से। ठीक है, प्लेबैक में जाके रिपीट में इसको फॉर एवर पे रख दीजिए। ओके, तो ये हमने आज वीडियो में सीखा कि किस तरह से मोशन डेवलप होती है। स्टॉप।